तो हेलो गाइस, वेलकम है आप ही लोग का यूट्यूब चैनल नीरज मूवी हब के यूट्यूब चैनल पे। तो सो गाइस, मैं इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूँ जॉन विक चैप्टर 4, जो कि फाइनली इस मूवी को OTT पे एप्पल टीवी पे हिंदी डब कर प्रीमियर कर दिया गया है, जो कि मैंने कुछ देर पहले इस मूवी को देखकर फिनिश किया हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस मूवी का इंतजार कर रहा था। फाइनली मेरा वेटिंग खत्म हो चुका है और मैंने इस मूवी को देखकर फिनिश किया हूँ। क्या आप लोग को यह मूवी देखनी चाहिए? चलिए इस वीडियो में फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टोरी लाइन की ओर बढ़ते हैं। अब जॉन विक पर ग्लोबल टेबल पे उनका रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और उनके पीछे बहुत सारे कॉन्टैक्ट किलर पड़े हुए हैं। तो क्या जॉन विक फिर से बच पाएगा या नहीं, इसके लिए आप मूवी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इस मूवी का जॉनर है एक्शन एक्शन एक्शन। अगर आप लोग एक्शन लवर हो तो अभी से इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप लोग एक्शन मूवी नहीं देखते हो तो अभी से इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। इस मूवी में कोई भी अडल्ट सीन नहीं है, पूरा फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो, पूरा एंगेज के साथ। इस मूवी का मैं 2 निगेटिव पॉइंट साथ ही साथ 4 पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट निगेटिव पॉइंट की बात किया जाए तो इस मूवी का लेंथ ऑलमोस्ट 3 घंटा है, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा लॉन्ग फील होने वाली है और आपको थोड़ा बहुत ही ज्यादा लॉन्ग फील होगा, क्योंकि 3 घंटा बहुत ही कम मूवी बनती है। और जहां तक इस मूवी का सेकेंड नेगेटिव पॉइंट, तो स्टोरी बहुत ही सिंपल एंड प्रिडिक्टेबल। इस तरह की स्टोरी 1000 मूवी में देख चुके होंगे, कोई भी यूनिक स्टोरी नहीं है। अगर स्टोरी के लिए आप देखने जा रहे हो ये मूवी तो अभी से स्किप कर सकते हो। जहां तक इस मूवी का पॉजिटिव पॉइंट, तो मेरे को ये मूवी का सिनेमेटोग्राफी सेट डिजाइन बहुत ही पसंद आई है। बहुत ही अच्छे अच्छे सिनेमेटोग्राफी सेट डिजाइन अच्छे से किए गए हैं और एक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही खतरनाक है। आज तक केनू रिव्स का इतना खतरनाक लेवल वाला परफॉर्मेंस मैंने कभी नहीं देखा। बहुत ही खतरनाक लेवल का परफॉर्मेंस किए। एक बंदा हजारों लोगों को इस मूवी में 1 सेकेंड में मारता है। आज तक मैंने इतना एक्शन वाला मूवी अपना हिस्ट्री में कभी नहीं देखा है। और साथ ही साथ स्कॉट एडिंस का भी एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वो मोटा ताजा का किरदार निभाया है। साथ ही साथ डोनी येन, जो कि चाइनीज मूवी का सबसे बिग एक्टर परफॉर्मेंस किए हैं, इनसे भी आप इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे। और साथ ही साथ इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही फास्ट है। ऑलमोस्ट 3 घंटा देखने में लेगा, लेकिन एक सिंगल सीन्स भी बोरिंग नहीं करता है। 3 घंटा आपको बहुत ही ज्यादा टाइम ऐसे लगेगा, लेकिन अगर आप लोग एक्शन लवर हो, ओनली एक्शन देखना पसंद करते हो, तो ये मूवी कहीं भी आपको बोर नहीं करता। इस मूवी का डायरेक्शन भी मेरे को पसंद आया, साथ ही साथ बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही खतरनाक लेवल का किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा आप इंजॉय करोगे। अगर इस मूवी को 1 वर्ड में रिव्यू करूं तो मेरे को यह मूवी खतरनाक ऑसम, ऐसा मूवी आज तक मैंने कभी एक्शन वाला नहीं देखा है, तो बहुत ही मेरे को बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया हूं। जहां रहा इस मूवी का रेटिंग की बात, तो मैं इस मूवी को रेट करता हूं 9 out of 10 और हाईली रिकमेंड करता हूं। अगर आप एक्शन लवर हो तो लाइफ रहते जिंदगी रहते एक न एक बार यह मूवी जॉन विक चैप्टर 4 आपको देखनी है, नहीं तो आपका जिंदगी अधूरा है। तो हाईली रिकमेंड करता हूं, जाकर एप्पल टीवी पे हिंदी डब कर प्रीमियर किया गया है, जो कि आप इंजॉय कीजिएगा। इतना समय इस वीडियो को देने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ।